यस सर, क्लियर है वॉइस सर। है। सो चलिए, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब एक्चुअली वी विल डू दिस टॉपिक फ्रॉम स्पेसिफिकली, अभी क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, बिकॉज द ये कॉन्सेप्ट तो, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दिस इज टोटली अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। राइट्स कब से शुरू हुआ? मॉडर्न डे में सोसाइटी शुरू हुआ, मॉडर्न डे का कॉन्सेप्ट है, राइट। ठीक है, बट हम अभी स्पेसिफिक कहाँ पे रहेंगे, आपके स्पेसिफिक प्रिलिम्स स्पेसिफिक रहेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वाट एवर थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स परस्पेक्टिव, वी आर गोइंग टू डील विथ दैट थिंग ओनली। ठीक है, विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर मेन एग्जामिनेशन, दैट मेन एग्जामिनेशन वी विल डू लेटर ऑन। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन इम्पॉर्टेंट नोटिस इज ऑल्सो, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अवर क्रैश कोर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो डू शेयर विथ योर नियर एंड डियर वन, सो दोज हु विश कैन ज्वाइन। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट सर से कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो करना चाहे ज्वाइन। ओके, सो चलिए लेट अस स्टार्ट दी कॉन्सेप्ट। सो फंडा, सो एज यूजल वी विल गो इन दैट मैनर कि हमने शुरू कहाँ से किया था। ठीक है, हमने शुरू किया था दैट पार्ट वन में, हमने क्या किया, पार्ट वन में हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, पार्ट वन में हमने घर बनाया। ठीक है, क्या बनाया, होम बनाया, वो हाउस बनाया। ठीक है, जो हमने कवर किया, आर्टिकल कवर किया वन से लेके फोर तक। अब फिर हमने पार्ट टू में क्या किया, पार्ट टू में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक कवर किया, दैट इज सिटीजनशिप, उसके बारे में पढ़ा। तो घर बनाया, घर में कौन लोग रहेंगे वो हमने डिफाइन किया। ठीक है, यस, है ना, हु विल लिव इन दैट होम वी हैव डिफाइंड। तो मतलब एक तरीके से कह लीजिए, हाउस को हमने होम बनाया पार्ट टू में। अब आइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 पढ़ने आ रहे हैं। अब पहले में घर बनाया, फिर घर में कौन लोग रहेगा ये डिसाइड किया, फिर जो लोग घर में रहेंगे, जो लोग घर में रहेंगे उनकी क्या राइट्स होंगी। ठीक है, जो लोग घर में रहेंगे कि उनके क्या राइट्स मिले होंगे, क्या राइट्स उनको मिलेंगे, या कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या उनको राइट्स देगी जो घर में रहने वाले लोग को, दैट इज मेंशनड इन दिस पार्ट। ठीक है, और ये राइट्स क्या है, ये बिल्कुल कंपलसरी मैंडेटरी है कि आपको स्टेट देगी ही देगी एट एनी कॉस्ट। स्टेट मींस कंट्री। ठीक है, एट एनी कॉस्ट दी कंट्री विल गिव यू दैट राइट्स। ठीक है, समझ में आया। सो फंडामेंटल विच इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, बेसिक राइट दैट इज गिवेन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बोरो कहाँ से किया गया, ये कॉन्सेप्ट को हमने बोरो किया बिल ऑफ राइट्स यूएसए के कॉन्सेप्ट से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को कहाँ से बोरो किया, तो जनरली ये बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कहाँ से, क्या बिल ऑफ राइट्स, ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर से कुछ हद तक मिलता जुलता सेम पैटर्न में हमने बोरो किया, कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। मेंशन इन पार्ट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 3 में मेंशन है आपका फंडामेंटल राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट आर इंस्ट्राइंड इन अ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीलिंग विद आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट जो पढ़ रहे हैं हम, डीपीएसपी पढ़ेंगे, दिस इज एंटायरली अ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा। तो ठीक है, सो अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो डिटेल में जब हम मेंस की क्लास करेंगे तो पेपर 2 में जो है उधर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि एप्लीकेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल सा वी विल ट्राई टू मग एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यू जो यहाँ से निकल के आ सकते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो यहाँ से गैदर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। ठीक है, वैसे तो बहुत डिटेल में है, ठीक है, राइट का कॉन्सेप्ट, जॉन लॉक की थ्योरी है, वो सब अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वहां पर। चलिए आगे देखिए, दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड टू ऑल सिटीजन
इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लिबर्टी, ठीक है, ये बोला ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, है ना, ऑल सिटीजन मतलब एनीवन, इरेस्पेक्टिव टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सबको बराबर राइट मिलेगी. दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट इज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. इरेस्पेक्टिव तो क्या कह रहा है, कोई उनके रिलीजन से, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी धर्म का हो, रिलीजन बोला, कोई भी इथनी सिटी का हो, आप तमिलनाडु का हो, आप जम्मू कश्मीर के हो, आप अरुणाचल प्रदेश के हो, आप गुजरात के हो, व्हेन यू आर इंडियन सिटीजन आपको कॉमन राइट मिलेगी सबको, ठीक है, इरेस्पेक्टिव टू योर रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. समझ में आया यहाँ तक? यस या नो? वो बट कंडीशन क्या है, सिटीजन होना चाहिए हमारा, ठीक है, सिटीजन हमारा चाहिए. कुछ जो राइट्स हैं वो एलियंस को भी मिलती हैं जो बाहर ही आते हैं, कुछ उनको भी मिलती हैं, बट जो ज्यादातर जो राइट्स हैं जो हम जो सिटीजन्स हैं बस वही एंजॉय कर पाएंगे. जैसे कल आपके लास्ट क्लास में बताया था कि आपके यहाँ अगर किराएदार रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, तो ज्यादा राइट आपके पास होगी कि रेंट वाले के पास होगी, जो आपके यहाँ रेंट पे रह रहा है, किसके पास होगी ज्यादा राइट बताइए. यस, ओनर ओनर ज्यादा राइट ओनर के पास होगी. तो इसी तरह फंडामेंटल राइट्स में जो ज्यादा राइट है जो हम इंडियंस के पास होगी, ना कि जो बाहरी है उसको होगी. बाहरी अगर कोई आया तो उसको भी कुछ राइट्स मिलेगी, उसको डिस्कस करेंगे हम, बट सारी राइट्स उसको नहीं मिलेगी. बट मैक्सिमम राइट्स हम इंडियंस को मिलेगी, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमको मिलेगी मैक्सिमम राइट. तो यहां तक समझ में आया, मेंशनड इन, अगर यहीं से आपके एमसीक्यू बन गए, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में मेंशन है, तो ये आपके पार्ट 3 में मेंशन है, ठीक है. कहाँ से गया, कहाँ से लिया गया, तो आपके यूएसए से लिया गया. कहाँ से लिया गया, तो आपके यूएसए से लिया गया. एक्चुअली शुरुआत इसकी मैग्ना कार्टा से होती है, ठीक है. मैग्ना कार्टा भी एक तरीके का नोटिफिकेशन था, मैग्ना कार्टा, वहां से इसकी शुरुआत होती है. मैग्ना कार्टा को चार्टर ऑफ राइट बोलते हैं, तो अराउंड 1200 समथिंग में, ए में 1200 समथिंग में यह था मैग्ना कार्टा का चार्टर, वहां से शुरुआत होती है. फिर उसके बाद हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स देखा, वहां से हमने टेक्निकली इसको कह लीजिए कि वहां से इनकॉर्पोरेट किया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कह रहा है, दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट गारंटीड टू द ऑल सिटीजन इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लिबर्टी. भी लिबर्टी वर्ड मैंने बताया था, लिबर्टी वर्ड किससे बना है आपका, लाइबर से. लाइबर का मतलब क्या होता है, लाइबर का क्या मतलब होता है, लाइबर का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है. सो मींस की इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन ए कंट्री, ये कॉन्सेप्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है. अब राइट्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सक्लूसिवली अनलिमिटेड हैं, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस भी है राइट में, है ना, ठीक है, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, आगे देखिए. सो बेसिकली जो आर्टिकल 12 है आपका, जो 11 वो 12, बेसिकली जो आर्टिकल 12 है, 12 है वो किसके बारे में बात करता है, वो आपके स्टेट के बारे में बात करता है, स्टेट को डिफाइन करता है. आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है. आर्टिकल 13 का भी ब्रॉडर कैनोटेशन है, जो उससे रिलेटेड लॉ बनेंगे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बनेंगे उसके बारे में डिफाइन करता है, ठीक है. आर्टिकल 13, 12, 13, 12, 13 को छोड़िए, अब आइए डायरेक्टली आइए आप आर्टिकल 14 में, ठीक है. बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली आर्टिकल 14 में, ठीक है. तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किसके बारे में बात करेगा, इक्वेलिटी के बारे में बात करेगा. अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे याद कर लें इनको, ठीक है, ठीक है. आर्टिकल 14 से ले, अभी एक एक करके सारे आर्टिकल पढ़ेंगे हम. आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किसके बारे में बात करेगा, इक्वेलिटी. इक्वेलिटी का पूरा हर जगह आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है. आर्टिकल 19 से लेके 22 तक किसके बारे में बात करेगा, आपके फ्रीडम के बारे में बात करेगा. देखिएगा, देखिएगा वही रिफ्लेक्शन होगा. आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक का रिफ्लेक्शन क्या है, इक्वेलिटी के बारे में. आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक का रिफ्लेक्शन किसके बारे में है, फ्रीडम के बारे में, ठीक है. आर्टिकल 23 एंड 24 किसके बारे में रिफ्लेक्शन है, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, राइट अगेंस्ट, की कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता बच्चों का या किसी का भी इन एनी फॉर्म, इसके बारे में, चाइल्ड लेबर, एक्स वाई जेड, इसके बारे में, ठीक है.
अब फिर आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ये फ्रीडम ऑफ किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, मीन्स कि आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए, प्रोपोगेट करिए, नो बडी विल इंटरफेयर, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। बट टेक्निकली हमने देखा था इंडिया कैसा कंट्री है, टेक्निकली इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है कि नहीं, यस या नो? नो सर, ठीक है, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है, और ठीक है, स्टेट रिलीजन नहीं है तो मतलब सेकुलर है हमारा कंट्री, तो सबको रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए आजादी है, उसके बारे में इधर राइट्स मेंशन किया गया है डिटेल में, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, 29 से जो 30 के आर्टिकल्स हैं, दैट इज सर्टेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताया गया है कि उसमें भी आपको फ्रीडम है। कल्चरल राइट्स मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे अरुणाचल में देखिए हम लोग का कल्चर कुछ दूसरा है, यस या नो? मेनलैंड से बताइए बताइए, यस या नो? सर हाँ, हम लोग का कल्चर कुछ दूसरा है, कहीं का कल्चर कुछ दूसरा है, बट हमें राइट है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने को और उसको प्रमोट करने का, वो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन शो होता है आपका आर्टिकल 29 30 में, देखिएगा अभी पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट एक बचता है, दैट इज आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 32, ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें रिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 क्या कह रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट आर्टिकल 32 इज सेइंग, आर्टिकल 32 इज सेइंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट होती है तो आप एग्री सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट मूव कर सकते हो, ये आर्टिकल 32 कहता है। इसमें 5 टाइप के रिट्स भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देख लिया हमने आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13 देखा ब्रीफ में, और फिर इसके बाद आर्टिकल 32 देखा, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। 12 में क्या है, 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स कंट्री को डिफाइन किया है, ठीक है। आर्टिकल 13 में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी लॉ बनता है अगर फंडामेंटल राइट्स के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो वो डिक्लेयर क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। समझ में आया, समझ में आया आर्टिकल 13 समझ में आया, यस या नो? यस सर। ओके, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, ऐसा कोई लॉ अगर पार्लियामेंट ने बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक प्रिंसिपल को अगर वायलेट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल हो जाएगा, समझ में है, यस या नो? ओके, आर्टिकल 13 कह रहा है, बस ये बस इतना आप याद रखिएगा 13 के बारे में इतना, ठीक है। आर्टिकल 13 कह रहा है कि अगर इन केस अगर कोई ऐसा राइट बता दिया, अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आर्टिकल 14 कह रहा है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहता है, ठीक है, आर्टिकल 16 आपको किसके बारे में कहता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहता है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम आर्टिकल 16 एग्जाम्पल लेते हैं, आर्टिकल 16 कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है सिटीजन को इन दी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो कि नहीं भर रहे, यस या नो? आप भर रहे हो कि नहीं भर रहे, फॉर्म भर रहे हो यस ना, सर, आप फॉर्म भर भर रहे गया सर। हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म भर सकता है ना, फॉर्म भर सकता है, कंडीशन क्या है, पहली बात तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएशन हो, अगर कमीशन का यूपीएससी एपीसीएस भरते हो तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्या हो, ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा कोई तीसरी एलिजिबिलिटी है क्या, तो किसी को रोका क्या, किसी को रोका कोई कोई किसी को रोका कि तुम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, रोका, बताइए, यस या नो? एनीबडी हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म? नो सर। नो सर, नो, बिल्कुल जायज है। अगर कोई ऐसा प्रोविजन आ जाता है कि मान लो कि वो स्टॉप कर रहा है, बोल रहा है कि जिसकी कम हाइट है वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है कि नहीं, यस या नो बताइए,
यस सर, है यस हाँ, तो ऐसे केस में वो तुरंत क्या डिक्लेयर हो जाएगा, क्या डिक्लेयर हो जाएगा, नल एंड वॉइड। बात समझ में आई, नल एंड वॉइड का मतलब, नल एंड सर, वॉइड का मतलब समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ओके यस, ठीक है। और एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है। अब कोई ऐसा गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं बनाएगी, दैट इज यूजलेस बात, गवर्नमेंट तो ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, बट कोई ऐसा लॉ बना दे, कुछ बना दे, लोगों को मारने लगे, कोई किसी को मार सकता है। एक मिनट चाहिए, थोड़ा सा फोन, ठीक है, उसमें बैटरी कम है, एक मिनट चार्ज में लगा दूं लैपटॉप को। कोई किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता ना। जब मार नहीं सकता किसी को, तो क्या, तो कोई ऐसा लॉ बना दिया जो आर्टिकल 21 के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो तुरंत क्या डिक्लेयर हो जाएगा, क्या वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, समझ में है? तो तुरंत क्या डिक्लेयर हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, समझ में है? यहां तक समझ में है? यस या नो? एग्जाम्पल अब क्लियर हुआ कि कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, इन दैट केस दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, या कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो। यस या नो? क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। ओके, बोलते जाइए ना। चलिए, तो अब एक एक करके हम डिस्कस, एक और फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज कोई आपको फोर्स, कोई मान लो ऐसा लॉ बन गया, फोर्स कर रहा है कि आपको नहीं एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानना है, तो वो तो आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो? यस सर, तो वो वहां पे कहां, क्या आ जाएगा, आर्टिकल 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर्टिकल 13 उस लॉ को क्या कर देगा, तुरंत कैंसिल कर देगा। तो आर्टिकल 13 इज लाइक ए प्रोटेक्टिव गेयर फॉर ऑल दी फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्ट कर रहा है कि, वैसे प्रोटेक्टिव गेयर तो आर्टिकल 32 भी होता है, अगर वायलेट हो रहा है आपका, इंडिविजुअल वायलेशन हो रहा है, तो आप कोर्ट पे मूव कर सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे मूव कर सकते हो। बट आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट या कोई भी लॉ ऐसा बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुरंत तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड, बस इतना जानिए, ठीक। अब वही वही कहानी फिर आपको बताया कि अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, आप बोलो नहीं हमको नहीं करना, हमको हिंदू करना है, हमको मुस्लिम करना है, हमको क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करना है, आप फ्री हो, अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, अगर कोई ऐसा सपोज करो लॉ बन रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ऐसे केस में वो जो लॉ बनेगा वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ये कह रहा है। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर, ओके, चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब पहला जो जो अब ये है डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का कोर थीम क्या है, कोर थीम क्या है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का कोर थीम क्या है? इक्वालिटी इक्वालिटी। अब देखिएगा ये 14, 15, 16, 17, 18, हर जगह कहीं ना कहीं आपकी इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन होगा। आप इफ यू सी एवरीवेयर देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इक्वालिटी, हर जगह आपका इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या कह रहा है, देयर शैल बी ए इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, देयर शैल बी एन इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ की आईज में एवरीबडी इज इक्वल, चाहे वो रिच हो चाहे वो क्या पुअर हो, समझ में आया? यस या नो? यस समझ सर, में आया? मीन्स कि इन द आईज ऑफ लॉ एवरीबडी इज इक्वल। अब सपोज करो कोई एक रिच आदमी कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, और कोई पुअर आदमी क्राइम कर देता है, तो दोनों क्या है, दोनों को पनिशमेंट बराबर मिलेगी ना, यस या नो? यस मतलब लॉ सर, की आइज में यही है ना कि दोनों को पनिशमेंट बराबर मिलेगी, ठीक है। ये कह रहा है आपका 14, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ है उसके उसके फ्रेमवर्क में हर आदमी इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ओके, समझ में आया? आर्टिकल 14 रिमेंबर हुआ? यस या नो?
ओके याद हुआ? यस सर। आप इधर डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप कैसे याद करोगे? 14 को क्या होता है, 14 तारीख को? हम्म, 14 को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे सर, नवंबर चिल्ड्रंस डे 14 कब होता है? 14 14th। नवंबर को, 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रंस डे होता है, ठीक है? तो आप जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर विद द टेक्निक सी, लिख लीजिए चिल्ड्रंस डे होता है कि एवरी चिल्ड्रन इज इक्वल, ठीक है? सब बच्चे इक्वल खेलते हैं, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि ऑल चिल्ड्रंस आर इक्वल इन स्कूल। अब चाहे रिच किड्स हो या पुअर किड्स हो, सब बैठेंगे एक ही जगह बैठते हैं ना, समझ में आया? थोड़ा इस तरीके करके आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है? यस या नो? अभी बस जस्ट जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर राइट नाउ ओनली, ठीक है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 याद हुआ? यस या नो? ओके, चलिए अब दूसरा चलते हैं, आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या कह रहा है? जो स्टेट सैल, सुनिए ध्यान से, स्टेट सैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड। क्या ग्राउंड दिया है? किस ग्राउंड पे? आप रिलीजन, मैं लिख ही दे रहा हूं, रिलीजन, आप रेस, आप कास्ट, आप कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में, इस बेसिस पे स्टेट, स्टेट का मतलब, स्टेट मींस कंट्री, ठीक है? इस बेसिस में कंट्री किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ये क्या कह रहा है? दिस इज रिटन इन आर्टिकल 15, ठीक है? आर्टिकल 15 में ये लिखा है। अब इसके भी कई क्लॉजेस हैं, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 तक हैं, तो कई हैं मतलब। तो आप ये समझिए कि ऐसे केस में स्टेट किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब जी आप कहोगे देयर माइट बी, ये आर्टिकल 15 याद हुआ? अब याद करने का तरीका समझाता हूँ इसको, कैसे लर्न करना, ठीक है? 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे सर। इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है? आप यहीं पे याद कर लीजिए इसको, ठीक है? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। अब इंडिपेंडेंस डे में आप जो हमारा जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे देश को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है? हिंदी में बोल दिया, संबोधित करते हैं, देश को एड्रेस करते हैं। क्या करते हैं? देश को एड्रेस करते हैं ना, पीएम। यस या नो? यस सर। पीएम आपके कंट्री को एड्रेस करते हैं। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप लोग ने सबने देखा होगा जब पीएम एड्रेस करता है, कहाँ से एड्रेस करते हैं? रैम्पोर्ट्स ऑफ, है, रेड लाल फोर्ट। किला या रेड फोर्ट के, ठीक है, प्रीमिसेस से ऊपर से एड्रेस करते हैं। तो पीएम ऊपर एड्रेस होते हैं, आप जो नीचे जो लिसनर बैठे होते हैं, वो हर रिलीजन के होते हैं कि नहीं होते? जो होते हैं वहां पे जो गेस्ट होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? जी सर होते। हर रिलीजन के हैं, हर रेस के हैं, हर कास्ट के हैं, मेल है, फीमेल है, हर जगह का प्लेस ऑफ बर्थ, कोई कोई अरुणाचल से भी वहां बैठा होता है, कोई तमिलनाडु से भी बैठा होता है, कोई कहीं से भी बैठा होता है। तो ये आपको एक मेनोमिक्स बता दिया कि आर्टिकल 15 स्टेट मींस कह लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर वहां से आपको एड्रेस कर रहे हैं और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आया? यस या नो? यस या नो बताइए। यस यस या नो? ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात इसमें, आप अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप एराइज कर सकते हैं, वैसे तो आप कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, एक क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे जो आपको पूछने को मैं कह रहा हूँ कि आप पूछ सकते हैं हमसे, बताइए। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर फिर रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है, यस या नो? यस सर। है ना, रिजर्वेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब तो रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ क्या? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? पॉजिटिव रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? रिजर्वेशन उसको दिया गया है जो जेनरेशन से ऑलरेडी डिप्राइव है मेन चीजों से, उनको ही तो रिजर्वेशन दिया गया है। जो मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी है उनको ही तो रिजर्वेशन दिया गया है।
तो रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल 15 के एक क्लॉज में डाला गया है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है। वो अब इसमें भी आप बोल सकते हो कि हमने रिजर्वेशन दे दिया तो आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया। अब 15 का वायलेशन हो गया कि तो आर्टिकल 13 को लाके इसको तुरंत कैंसिल कर दो, ये बोल सकते हो ना? तुम बोल सकते हो कि नहीं, यस या नो? जो यस मैंने अभी सर, पहले बताया, बोल सकते हो? जी सर, जी सर, बोल सकते हो। ठीक है, तो अब तो गवर्नमेंट ने पहले से ही इसमें क्लॉज बना दिया है, ये बताया ना, 1 2 3 4 5 6 क्लॉज बना दिया कि स्टेट वुमेन्स को, बच्चों को, मार्जिनलाइज सेक्शन को रिजर्वेशन या कह लीजिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। स्पेशल प्रोविजन को ही स्पेशल प्रोविजन मतलब कि रिजर्वेशन बनाया, कुछ कुछ बनाया, रिजर्वेशन दे सकती है। समझ में आया? समझ में आया, यस या नो? यस सर। अब जो हमारा एक इसमें एक और सुन लीजिए, इसमें जो क्या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसी में था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसी में था। कब आया था? 1951 को, 1951। अब उस अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, क्या कह रहा है उस अमेंडमेंट एक्ट में, सुन लो क्या कह रहा है। द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसी का ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था। स्टेट शैल नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब ये प्रोविजन कब ऐड किया गया था? दिस प्रोविजन वाज एडेड एन एज अ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो ये भी आपका पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, यस या नो? ये भी आपका पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसमें अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिसेंटली एक और अमेंडमेंट है इसी आर्टिकल से रिलेटेड। उस वो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट बता देता हूँ आपको, वो जो रिसेंटली अभी इसी आर्टिकल से रिमेनिंग रिलेटेड एक और अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट नंबर 103 है। कब आया था? अमेंडमेंट नंबर 103, 2019 को, 2019 को एक इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आया था। इसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया था किसको? जैसे रिजर्वेशन जनरली किसको है, कैटेगरी में देखा होगा आपने, जनरल कैटेगरी है, फिर क्या है, ओबीसी है, फिर क्या है, एससी है, एससी, फिर एसटी है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यू एक्सेप्ट, एस टी, मेजर ये चार हैं। ठीक है, तो जनरल इज मान लीजिए ओपन, ओपन टू ऑल। ठीक है, ओबीसी का रिजर्वेशन अराउंड 27%, एससी का 15%, 7%। अब आई एम नॉट गोइंग विद द डेटा, ठीक है, डेटा नहीं आपको बता रहा, बट तो ये बेसिस किस, ये रिजर्वेशन बेसिस था, इसका बेसिस क्या है? कास्ट बेसिस में था रिजर्वेशन की, जो शेड्यूल कास्ट से आ रहा है या ट्राइबल में, जो शेड्यूल ट्राइब्स में जो लिस्ट आई है उसके बेसिस पर रिजर्वेशन। ओबीसी क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको रिजर्वेशन था। सो जो जनरल वाले भी हैं तो वो लोग बोले कि सर हम लोग भी तो गरीब हैं, कुछ लोग गरीब हैं उसमें जनरल में भी, यस या नो? बताइए बताइए। यस सर, वो बोले कि सर हम भी तो गरीब हैं, तो कुछ हमारा भी तो ध्यान दो। तो 2019 में गवर्नमेंट ने एक और कैटेगरी ले आई जिसको बोलते हैं क्या, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इनको कितना परसेंट रिजर्वेशन दे रही है गवर्नमेंट? कितना परसेंट? 10%, 10%। कितना 10%. परसेंट दे रही है? 10%। समझ में आया? समझ में आया ये आर्टिकल? समझ में आया जी आर्टिकल सर, 15? समझ में आया, याद हुआ? याद हुआ? दो अमेंडमेंट याद कर लीजिए और ये आर्टिकल याद कर लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब आर्टिकल 16 पे आइए। 15 क्लियर हुआ, यस या नो? यस सर, ओके, चलिए, नाउ कम टू आर्टिकल नंबर। अब आर्टिकल, एक मिनट, इसको रब दिस। अब आर्टिकल हम कितने पे आते हैं? अब आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 16 पे आते हैं। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया आर्टिकल 16 क्या कहता है।
आर्टिकल 16 कहता है द स्टेट, स्टेट मींस कंट्री, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट किसी के अगेंस्ट नहीं करेगी इन द मैटर ऑफ व्हाट, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? यस, व्हाट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब. यस, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी बडी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्या इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या मैं लिख देता हूं इधर गवर्नमेंट जॉब में स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, करती भी नहीं है. और जो बताया रिजर्वेशन, बताया रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ क्या, व्हाट, रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ड्यूटी। ठीक है, तो आप आर्टिकल 16 कैसे याद करोगे? यस, कोई कोई तरीका बता सकता है? अब आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि जो स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, वही ग्राउंड में हर जगह वही आ जाता है, रिलीजन, रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस. ठीक है, अब गवर्नमेंट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ये आपके आर्टिकल 16 में कह रहा है. ठीक है, ये आपके आर्टिकल 16 में कह रहा है. अब इससे रिलेटेड कई बार सुप्रीम कोर्ट पे भी पटिशन हुआ है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा एक्स वाई जेड. अब उतना डिटेल में नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपली आप समझिए कि आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है, स्टेट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए, अब ये है कि गवर्नमेंट जॉब देना है, जॉब देना है तो सबसे फेयर तरीका क्या है, फेयर तरीका है एग्जाम ले लो. अब जो उसमें मेरिट में क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी, सिंपल, दिस इज फेयर तरीका, है ना, यही है ना, इससे फेयर तरीका तो कुछ नहीं हो सकता. तो गवर्नमेंट क्या करिए, सबके लिए एप्लीकेशन को ओपन कर दिया, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आर्टिकल 16 इन देयर इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आप एप्लीकेशन दीजिए, आप एग्जाम दीजिए, आप अगर मेरिट को क्वालिफाई कर रहे हैं तो यू विल गेट द जॉब, आप नहीं कर पा रहे हैं तो विल नॉट दी गेट द जॉब. यहाँ तक क्लियर हुआ, आर्टिकल 16 क्लियर हुआ. आर्टिकल 16 को इमेजिन कर लीजिए कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और दिल्ली में उसके बोर्ड के आगे यूपीएससी ऑफिस है, उसके बोर्ड के आगे कमीशन है, दिल्ली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके आगे क्या है, उसके आगे बड़ा बड़ा 16 लिखा हुआ है, बस इतना इमेजिन कर लो. ठीक है, 1616 लिखा हुआ है, इमेजिन कर लीजिए. ठीक है, फिर एक और मैनोमिक्स बना के इनमें की कोशिश करेंगे हम इसमें. ठीक है, याद हुआ आर्टिकल 16, याद हुआ? यस सर। या ओके, आर्टिकल 16 याद हो गया. देखो, और रिजर्वेशन भी हो सकता है, बिकॉज रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ठीक है. सो आपको आपको एक अमेंडमेंट एक्ट भी है, जो 103 का अमेंडमेंट एक्ट को भी याद रखना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रिसेंटली बनाया गया है गवर्नमेंट जॉब में. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बेसिकली जो जनरल कैटेगरी के जो पुअर सेक्शन है उनके लिए बनाया गया है. ठीक है, और उनके लिए भी काफी सारी कंडीशंस रख दी गई है. आपको कंडीशन तो खैर यहाँ नहीं हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि आपके स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे, बट सेंट्रल में पूछ लेता है. जैसे कंडीशंस उसमें रखी गई है कि फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, 5 एकर से कम लैंड होना चाहिए. ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन आएगा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए. 5 एकर से कम एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए उस फैमिली के पास. जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फिट से अबव नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है तो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए म्युनिसिपल एरिया में. ठीक है, कोई रेजिडेंट प्लॉट है दूसरे एरिया में, कह लो कि 200 स्क्वायर यार्ड का है, वो इन दी नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में नहीं होना चाहिए. ये चार पांच कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब आपके क्या, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है. ठीक है, बेसिकली, बट उधर तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेंट्रल में हम जब देखते हैं ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है बेसिकली. चलिए, आर्टिकल 16 क्लियर हुआ, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नो बट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 16 आपको आपके यूपीएससी कमीशन के बाहर बड़ा बड़ा 16 लिखा हुआ है, बस उससे आप मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी है आपको एग्जाम देने की. ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा किसी का बाल बड़ा है तो एग्जाम नहीं दे सकता, बाल छोटा है तो नहीं एग्जाम दे सकता. आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है,
आप इंडियन सिटीजन हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, बस दैट्स इट। ओके आगे देखिए आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब देखो अनटचेबिलिटी इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस इन द इंडियन सोसाइटी। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में वर्ण सिस्टम में पढ़ेंगे तो उधर बताया जाएगा कि अनटचेबिलिटी क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज अनटचेबिलिटी? यस, यस है सर। ना, अनटचेबिलिटी में बिकॉज ह्यूमन बीइंग एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को बोलता है कि ये मार्जिनलाइज कैटेगरी से आता है, उनको टच नहीं करते, दैट इज अनटचेबिलिटी, दैट इज ओल्ड प्रैक्टिस। नाउ दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्या है, नाउ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटली जो स्टेटस क्या है, अगर अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है सो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अनटचेबिलिटी कह रहा है पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ओके, सो आर्टिकल 17 याद हुआ? आर्टिकल 17 आपके घर के बगल में हाउस नंबर 17 है, वो बोलते हैं कि इधर मत आओ, ये मत करो, इधर मत छुओ, ये नहीं करो, ऐसे करके आप याद कर लीजिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 याद रहेगा, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर राइट नाउ ओनली आर्टिकल 17, याद करिए आर्टिकल 17 इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके ओके, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बिकॉज अनटचेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ सोशल प्रैक्टिस दैट इज प्रैक्टिस्ड इन अर्लियर इंडियन सोसाइटी, है ना, तो ये चीज किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत सारी आपने मूवीज देखी होंगी, एक आर्टिकल 15 करके मूवी देखी है? यस या नो? एक देखना, एक मूवी देखना आर्टिकल 15 करके, आई थिंक लीड रोल है आपका अंशुमन खुराना, उनकी मूवी है, आप उसको देखेगा, उसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, इसमें अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शो हुआ है उस आर्टिकल 15 में। ओके, अब आइए आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल मीन्स कि आपने पहले सुना होगा कि राजा, महाराजा, महाराजा अधिराज ऐसे टाइटल लग जाते थे, वो हेरिडिटरी टाइटल होते थे। यस ओके, सुना है कि नहीं सुना? जैसे कोई सुना नाम लिखा है, कोई नाम लिखा है रवि, ठीक है, अब रवि के आगे महाराजा रवि, महाराजा अधिराज रवि। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जो टाइटल लगे हैं, सो दिस शोज कि दिस शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, है ना, कि राजा वाला सिस्टम तो खत्म हो गया ना, तो ये एबॉलिशन ऑफ द टाइटल, जो टाइटल किसी भी फॉर्म में एबॉलिश किए जाएंगे, अगर कोई अपने नाम के आगे ऐसे टाइटल लगाता है सो दैट इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। समझ गए, अगर कोई अपने नाम के आगे आर्टिकल्स लगाता है, वो टाइटल्स लगाता है, सो दैट इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। समझ में आया आर्टिकल 18? समझ में आया आर्टिकल 18? समझ में आया यस सर। एबोलिशन ऑफ द टाइटल, जैसे टाइटल लगाते थे राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान बहादुर, महाराजा, राज बहादुर। ठीक है, ये बेसिकली जो कॉलोनियल स्टेट के टाइम से जो जमींदार लोग थे, ये लोग टाइटल लगाते थे, तो ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी टाइटल्स लगाना नहीं, अगर आप टाइटल लगाते हो तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब देखिए, अब तो दूसरा कंडीशन है, जैसे आप टाइटल लगाते हैं, अगर लगाते हैं ना, कोई डॉक्टर लगाते हैं, कोई मेजर लगाते हैं, कोई ब्रिगेडियर लगाते हैं, कोई कर्नल लगाते हैं, ठीक है, कोई प्रोफेसर लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी तो टाइटल हैं, तो इनको एबॉलिश किया गया कि नहीं किया गया, बताइए। नो क्यों? क्योंकि सर ये अर्न करने वाला है टाइटल। दिस क्या है? टाइटल आर बीइंग अर्न्ड। ओके 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 ओके, ठीक है, ये टाइटल आपके कैसे टाइटल है, अर्न टाइटल है। अर्न टाइटल मतलब आपने पढ़ाई किया है, एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, पीएचडी किया, उसके बाद आप डॉक्टर लगा रहे हो, है
ऐसा नहीं है कि आप हेरिडेटरी कहीं पैदा हो गए महाराजा राजा टाइटल लगा रहे हो। सो ये अर्न टाइटल है। मेजर आप डिफेंस में गए, नौकरी किया, जॉब किया, नौकरी पाया, तब आप टाइटल लगाए। ब्रिगेडियर वैसे ही, कर्नल वैसे ही, प्रोफेसर आपने पीएचडी किया, 10 साल 15 साल पढ़ाया, उसके बाद प्रोफेसर बने तो टाइटल लगा रहे हो। सो दीज आर नॉट रिसीव्ड टाइटल, दीज आर अर्नड टाइटल। आपने मेहनत किया, अर्न किया टाइटल। अब सपोज करो आप प्रोफेसर लगाते हो अपने टाइटल के आगे, मतलब हो प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर एसोसिएट होता है, उसके बाद प्रोफेसर होता है। अब आपका जो बच्चा होता है, आपका बेटा या बेटी जो होता है, तो वो भी अपने आगे तुरंत प्रोफेसर टाइटल लगा सकती है क्या? यस या नो बताइए। नो नहीं, बट राजा महाराजाओं के केस में क्या होता है, राजा का बेटा हुआ वो भी तुरंत लगा लेगा महाराजा टाइटल, लगा सकता था, है ना? सो दैट इज, तो वो वाले टाइटल को एबॉलिश किया गया। अब दूसरे, इसमें दूसरे पॉइंट इसमें एक और है कि एक और टाइप के टाइटल्स होते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी हुआ था, ठीक है, इन बालाजी राघवन केस था 1995 का। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जो टाइटल्स हैं, जैसे नेशनल अवार्ड मिलते हैं जिनको, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, एंड बोला कि ये टाइटल नहीं शो करता, ठीक है, और ये कर सकते हैं ये बिकॉज एज ए गुडविल जेस्चर, जो उन्होंने अपना कुछ काम किया है, स्पेशल काम किया है, तो उनको ये टाइटल गवर्नमेंट दे रही है, या भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण सबको थोड़ी ना मिल जाता है कि रोड चलते किसी को भी मिल गया। जो कोई किसी ने कुछ स्पेशल किया है उस फील्ड में, काम में, तो उसी को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इससे कोई ज्यादा हमको मतलब नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटिंग विद, दिस इज नॉट वायलेटिंग एनी प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्लियर, वो आर्टिकल 18 क्लियर हुआ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो सॉरी एबोलिशन ऑफ टाइटल। सो हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए इसमें, इक्वालिटी में। अब देखिए, अब आपको मैंने पहले क्या बताया था, 14, 15, 16, 17, 18, सब में किसका रिफ्लेक्शन आएगा, इक्वालिटी का। पहले में तो आ ही रहा है इक्वालिटी का, दूसरे में भी इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये 16 में भी इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, 17 में भी इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, 18 में भी इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किसके बारे में है आर्टिकल, इक्वालिटी, पूरा डिफाइन किया है कि कैसे हम इक्वल सोसाइटी अचीव करने में कामयाब हो। यही है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अब इधर आपको क्या करना है, सिंपल, आप इनके जिस्ट को तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल ट्राई टू रिमेम्बर दिस आर्टिकल्स, ठीक है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल याद कर लो इन आर्टिकल्स को। यस या नो, चलिए क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ? यस, यस ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की बात करेंगे। अब कहाँ की बात करेंगे, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की बात करेंगे। अब आर्टिकल 19 से 22 तक की क्या होगी, ये बेसिकली आपके फ्रीडम को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, फ्रीडम को शो करेंगे। फ्रीडम कौन देगा, कौन देगा फ्रीडम आपको, फ्रीडम आपको कौन देगा, स्टेट देगा। स्टेट देगा कि नहीं देगा, स्टेट मतलब कंट्री। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब होता है आपका कंट्री होता है, ओके। जब भी पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो स्टेट मींस कंट्री, ओके। तो चलिए देखिए, देखते हैं इसको भी, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 20। अब कह रहा है आर्टिकल 19, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 गारंटी करता है सारे सिटीजन्स को क्या, फ्रीडम ऑफ, पहली चीज किसका, फ्रीडम ऑफ किसकी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा एक्सप्रेशन की। अब बताइए, धरना देते हैं हम, स्पीच देते हैं ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, यस या नो, करते हैं कि नहीं करते, बताइए, यस सर करते हैं, बिकॉज क्यों करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि आप मतलब पीसफुल प्रोटेक्शन कर, मतलब प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी इसी में आएगा, बताते हैं, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बेसिकली आपके 6 सब राइट्स हैं, तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 6 सब राइट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला इसका जो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्या कह रहा है, पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये समझ में आया, दिस इज योर फर्स्ट सब राइट ऑफ आर्टिकल 19। सेकेंड जो इसका सब राइट है, सेकेंड सब राइट है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट टू असेंबल, राइट टू असेंबल पीसफुली,
पीसफुली, पीसफुली विदाउट विदाउट आर्म्स एंड एम्युनेशन, ठीक है। मतलब आप कहीं भी धरना दीजिए पीसफुली, जो कि सोसाइटी को डिस्टर्ब ना करे, और आर्म्स, ठीक है, बंदूक गोला बारूद बम लेके नहीं आपको धरना देना, विदाउट आर्म्स आप पीसफुली। आपने देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर में हमेशा धरना होता रहता है, ठीक है, तो आप पीसफुली आप धरना दीजिए, ये भी आपका राइट है आर्टिकल, आर्टिकल किसमें, 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 का जो तीसरा सब राइट कहता है, कितने, तीसरा सब राइट क्या कह रहा है, तीसरा सब राइट कह रहा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, क्या कह रहा है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉपरेटिव, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन और कॉपरेटिव, ठीक है। अब ये तो बहुत, इससे तो आप लोग बहुत पता होगा एसोसिएशन क्या होता है, ऑटो वाला एक्शन, ऑटो वाला एसोसिएशन, ट्रैकर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट यूनियन, ऑटो यूनियन, मार्केट वेलफेयर यूनियन, ठीक है, और कॉपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट बनती है। तो ये भी कहाँ से आया है, आपके आर्टिकल 19 से। कोई आपको रोकता है क्या यूनियन बनाने को, कोई भी बनाइए, ये स्टूडेंट यूनियन, ऑटो यूनियन, टीचर्स यूनियन, डॉक्टर्स का यूनियन, मेडिकल प्रोफेशनल्स का यूनियन, ठीक है, सिविल सर्वेंट का यूनियन, कॉमन पीपल का यूनियन, कोई भी रोकता है यूनियन बनाने को, नहीं रोकता ना। सो दिस राइट कम्स फ्रॉम योर आर्टिकल 19 के जो सब सिक्स राइट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, कॉपरेटिव सोसाइटी एंड यूनियन, ठीक है। अब भाई आपका जो इसमें चौथा है, फोर्थ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट थ्रू आउट थ्रू आउट द टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप बताओ, आप अगर अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, आपको गुवाहाटी जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको बॉम्बे जाना है, आपको तमिलनाडु जाना है, आपको किसी से परमिशन लेना होता है, बताइए, यस या नो, लेना होता है, नो सर, नो सर। आप क्या है, आप बढ़िया आराम से फ्री में घूम सकते हो, मतलब फ्री में नहीं, फ्रीली घूम सकते हो, फ्री में तो नहीं घूम सकते, यू नीड मनी, ठीक है, ओके, सो फ्रीली आप घूम सकते हो, बहुत आराम से फ्री में घूम सकते हो, ठीक है, ओके, सो अब क्या लिखा, विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया की टेरिटरी में आप आराम से फ्री में, फ्रीली आप घूम सकते हो, ये आपका क्या कह रहा है आर्टिकल 16, क्या कह रहा है आर्टिकल 19 का सब राइट कह रहा है, ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए, एक मिनट मैं सर को बता दूं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना आज क्लास। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैसेज भेजा किसी ने, ओके, वो दैट, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, है ना, व्हेन वी विल डिस्कस अरुणाचल स्पेसिफिक, तब वहां पे बात करेंगे रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट के बारे में, ठीक है, ओके, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो जो आप पूछ रहे हो ना, व्हाट इज आईएलपी, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट, ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, राइट टू मूव, ये हो गया राइट टू मूव फ्रीली फ्रीली, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, अब ये इस बात को कह रहा है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, गॉट द पॉइंट, और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये कह रहा है, राइट टू, आप देखिए कोई कहीं भी सेटल हो सकता है इंडिया में कि नहीं हो सकता, यस, इंडिया की टेरिटरी में इफ आई कम फ्रॉम प्लेन लैंड आई कैन सेटल एनी वेयर, यू कम फ्रॉम योर लैंड, आप अरुणाचल से आते हो, आप हिमाचल से आते हो, दैट डजेंट मैटर, आप दिल्ली में रहना चाहते हो, आप बैंगलोर में रहना चाहते हो, और कुछ भी काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो,
प्रैक्टिस प्रोफेशन भी कर सकते हो इसमें, ये कह रहा है। एक और इसमें फिर लास्ट है आपका सिक्स, सिक्स सब राइट है। सिक्स सब राइट क्या कह रहा है, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑर टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है, आप कोई भी प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस कर सकते हो, कोई रोकता है कि नहीं होता। आप देखोगे कि कहाँ 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 से बिजनेसमैन है। अभी आप अरुणाचल में ही देखिए कहाँ कहाँ से आया है, कोई मारवाड़ी है, राजस्थान से, कोई कहाँ से आके बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस या नो बताइए। यस सर, ओके, सो उनको ये राइट कहाँ से मिली, उनको ये राइट सब आर्टिकल 19 से मिली। ठीक है, ओरिजिनली इसमें कितने थे, ओरिजिनली कितने थे, 7 राइट्स थे। पहले इसमें कितने राइट्स थे, ओरिजिनली इसमें 7 थे, बट जो 7th नंबर वाला है जो वो डिलीट हो गया। ठीक है, बिकॉज 7th नंबर वाले को डिलीट किया, कब डिलीट किया हमने, 7th नंबर वाले को डिलीट किया हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को, जो 7th राइट है उसको डिलीट कर दिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहले 7 थे, वो क्या है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ठीक है, राइट टू एक्वायर की प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड था, अभी उसको वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, सो अब फ्रीडम वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यस या नो बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं, अब हम अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 20। अब इससे बहुत सारे आर्टिकल 19 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यू, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 19 को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना डिटेल में पढ़ लिए आर्टिकल, तो आई डोंट थिंक कि आप भूलोगे इन आर्टिकल्स को, आपको याद रहना चाहिए आर्टिकल। चलिए, अमेंडमेंट एक्ट को भी देख लेना, 44th अमेंडमेंट एक्ट को भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन, आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, इस बात को समझिए, आर्टिकल 20 को, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट इन द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, दिस इज आर्टिकल 20। यस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट। अब आर्टिकल 20 में क्या कह रहा है, किसी को आर्बिट्रेरी आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को आर्बिट्रेरी मतलब अनलेस एंड अनटिल उसने कुछ ऑफेंस किया है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप मतलब किसी को आर्बिट्रेरी उठा के अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बात को कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा, कोई भी पर्सन को, नो पर्सन, किसी को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसने लॉ को वायलेट किया है। ठीक है, अगर जब तक लॉ को वायलेट नहीं किया तो आप उसको पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, एक और इसमें बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ नो डबल जियोपार्टी। डबल जियोपार्टी का मतलब ये होता है, कोई पर्सन को आप एक ही क्राइम के लिए दो दो बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो आर्टिकल 20 में दिया हुआ। डबल जी मान लो, एक किसी ने क्राइम किया उसको दो दो बार पनिश नहीं कर सकते, नॉट मोर देन वंस। ठीक है, एक और आर्टिकल 20 में कह रहा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई किसी ने कुछ क्राइम कर दिया किया है बट उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने अगेंस्ट इविडेंस दे। ठीक है, जुडिशरी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम अपने अगेंस्ट इविडेंस दो। ठीक है, अब वो काम जुडिशरी का है कि उसको प्रूव करे कि ये गिल्टी है। ठीक है, किसी ने कुछ क्राइम किया, क्या, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस दे। लेट सपोज किसी ने चोरी किया, ठीक है, अब उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने अगेंस्ट बोलो कि हाँ मैंने चोरी किया, आप अपने बचाव में बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। अब वो तो काम
जुडिशरी का है, या कह लो कि एडवोकेट का है, कि वो प्रूव करे, एविडेंस लाके कि हाँ आपने चोरी किया। तो मींस कि दैट एविडेंस बेस्ड जजमेंट होगा, ना कि आपके बोलने से जजमेंट होगा। ठीक है, आप अपने प्रोटेक्शन में बोल भी सकते हैं, ये भी आर्टिकल 20 में मेंशन है। ठीक है, कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑफ एथिक्स। अगर ठीक है समझ में आया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब समझ में आया कि आपने क्राइम किया, XYZ किसी ने क्राइम किया, तो अक्यूज पर्सन को कोई कंपेल नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस दे। समझ रहे बात को? मान लो जो अक्यूज पर्सन है वो तो अपने क्या बचाव में बात करेगा, अक्यूज पर्सन को कंपेल नहीं है कि वो क्या करे, वो अपने अगेंस्ट आपको, मतलब अपने अगेंस्ट विटनेस बने, अक्यूज पर्सन को जरूरी नहीं है। ये आर्टिकल इसमें कहता है 20 में। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। बाय दिस आर्टिकल 20 तक वी आर दिस एंडिंग। ठीक है, बिकॉज अभी टाइम हो गया है, वो सर भी लेंगे क्लास।